बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया। इस फैसले को लेकर इंडिया टीवी ने फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फिनवे FSC के फाउंडर और CEO रत्रित चावला से बात की और जानना चाहा कि इस फैसले को असर देश के लाखों क्रिप्टो निवेशकों पर क्या होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले का क्या असर होगा। बैंक का खतरा अब नहीं लेकिन चुकाना होगा कर, चावला ने बताया। आम बजट के बाद यह साफ हो गया है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को देश में बैन नहीं करने जा रही है। हाँ, अब यह जरूर हो गया है कि किसी भी डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा। अब तक इसके निवेश पर टैक्स को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी, जिससे पारदर्शिता का अभाव था। अब यह संकट दूर हो गया है, लेकिन कर चोरी का करना अब संभव नहीं होगा। सरकार आसानी से क्रिप्टो एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट नोट और रेमिटेंस डाटा के जरिए आसानी से जुटा लेगी। ऐसे में कर चोरी करना आगे संभव नहीं होगा। खरीद बिक्री पर 1% TDS भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर 30% कर लगाने के साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे से लाने के लिए एक सीमा से अधिक के लेन देन पर 1% TDS यानी स्रोत पर कर कटौती लगाने का भी प्रस्ताव किया। विशेषज्ञों ने कहा क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से प्राप्त आय पर 30% कर लगाना लॉटरी गेम शो से जीती गई राशि पर लगाए जाने वाले कर की दर के बराबर है। नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार स्थिर और भरोसेमंद कर व्यवस्था की बात पर कायम है और ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण को कर के दायरे में लाया गया है। बजट से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।